विराट कोहली को आज शतक की एक ऐसी भूख देखने को लगी जो कि वो ना सिंगल ले रहे थे और विराट कोहली को आज अंपायर ने भी साथ दिया। विराट कोहली ने सिक्स लगा करके अपना शतक भी पूरा किया। इस शतक को पूरा करते ही विराट कोहली ने टीम इंडिया को जीत भी दिलाई। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में विजय रथ पर सवार हो चुकी है टीम इंडिया ने, अब बांग्लादेश को भी पूरी तरह से हरा दिया है। विराट कोहली जब बैटिंग करने आए तो भारत को जीत के लिए 169 रन चाहिए थे। उसमें कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि विराट कोहली आज शतक मारेंगे, लेकिन विराट कोहली ने अपनी बादशाहत दिखाना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी तीन साझेदारी की 97 बॉल में नबाद 103 रनों की पारी उन्होंने आज खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के जड़े। आज उन्होंने अपना शतक भी पूरा किया और इन शतक के साथ वो रिकॉर्ड 48वां वनडे सेंचुरी। मगर ऐसा लगा कि विराट कोहली आज शतक के लिए ही खेल रहे थे, वो हर हाल में सेंचुरी लगाना चाहते हैं। क्या बैटिंग से साफ दिख रहा था वो टीम को भले ही जीत दिलाना चाहते हो, लेकिन विराट कोहली अपना शतक को हर हाल में पूरा करना चाहते थे। जब भारत को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे तब विराट कोहली अपने शतक से मात्र 3 रन दूर थे। ऐसे में विराट कोहली के पास सिर्फ 2 ऑप्शन था, या तो वो 6 लगाए या तो 4 लगाए। अगर वो 6 मारते हैं तो उनका शतक पूरा हो जाता है, अगर वो 4 लगाते हैं तो शतक फिर भी उनका पूरा हो जाएगा, लेकिन सिंगल और डबल से उनका शतक पूरा नामुमकिन था। एक और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, दूसरी छोर पर केएल राहुल थे। केएल राहुल भी आज विराट कोहली का बखूबी साथ दे रहे थे और केएल राहुल भी चाहते थे कि विराट कोहली आज शतक लगाए। हुआ वैसा ही, लेकिन जो इसमें अहम बात है कि क्रिकेट के इतिहास में वाइट रहते हुए अंपायर ने उसे वाइट नहीं दिया। विराट कोहली ने पूरी तरह से सिंगल रन लेना लगभग बंद कर दिया था क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही 2 था। अगर वो शतक को पूरा करते हैं तो या तो बाउंड्री लगाना पड़ेगा या तो छक्का लगाना पड़ेगा। बांग्लादेश के बॉलर नासूम अहमद ने अपनी पहली ही गेंद पर लेग साइड बॉल फेंक दी जो कि साफ तौर से वाइड बॉल था, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड नहीं दिया। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने 6 लगा करके अपना शतक पूरा किया और इसके साथ ही टीम को भी जीत दिलाई। विराट कोहली ने 6 लगा करके जब अपना शतक पूरा किया तो आज उनके क्रिकेट के इतिहास में जो रिकॉर्ड 48वां शतक पूरा किया। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के नाम है 49 शतक और उसके करीब आ गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने आज अपना 48वां शतक पूरा किया। भारत की तरफ से आज बॉलरों ने भी अच्छी खासी अपनी योगदान दी है। रवि जडेजा ने 38 रन देकर के 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 41 रन देकर के 2 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 60 रन देकर के 2-2 विकेट लिया। बांग्लादेश ने शुरुआती 15 ओवर में 94 रन बनाए, जबकि अंतिम ओवर अगर 15 ओवर की बात करें तो वो सिर्फ 49 रन ही बना सके। तो भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपने प्रतिद्वंद्वी टीम बांग्लादेश को अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाने दिया। आपको बता दें कि भारतीय गेंदबाज हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वो मैदान से बाहर चल गए थे, जिसके कारण कुलदीप यादव जल्दी से अटैक पर आ गए और बांग्लादेश पारी में सेन लगाते हुए भारत को पहली सफलता दिलाई। तो आज के मैच में टॉस जीत करके सपाट पिच पर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन टीम इंडिया ने उस लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश को बुरी तरह से हरा दिया, जिसमें आज विराट कोहली ने भी अपना शतक जड़ दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल TRTN पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।